हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द इंडियाज फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क बी इस्टेब्लिश्ड। भारत का पहला रेड टिब्बा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ड्यून है इसका मतलब होता है टिब्बा। टिब्बा यानी कि कोई भी ऊंचाई वाली जगह, कोई भी इंक्लाइंड वाली जगह। तो जो समुद्र होता है उसके किनारे जो रेत रहती है, तो अगर समुद्र के किनारे इंक्लाइंड में रेत को बनाया जाए और वहाँ पर एक पार्क को डेवलप किया जाएगा ऐसे ड्यून बना के, तो उसे कहा जा रहा है सैंड ड्यून पार्क। यानी रेत का एक तरह से पार्क डेवलप किया जाएगा और ये किया जाएगा गोवा में। ओके, और ये भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? गोवा में। तो जो गोवा का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक को एक प्रपोज़ल भेजा है और वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोजेक्ट है सैंड ड्यून पार्क, इसके लिए जो प्रपोज़ल था उसे एक्सेप्ट कर लिया है और वर्ल्ड बैंक की तरफ से 3 करोड़ रुपये मिलेंगे इस सैंड ड्यून पार्क को डेवलप करने के लिए। और ये पार्क डेवलप किया जाएगा गोवा के कोस्टल एरिया में, कहाँ पे? अरेबियन सी में। ओके, गोवा के कोस्टल एरिया में, अरेबियन सी में। और बताया जा रहा है कि जो गोवा का इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ऐसे ड्यून पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए, और इससे जो गोवा का है टूरिज़्म है उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और जब टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है स्टेट की भी इनकम, इकोनॉमी बढ़ेगी, सुधरेगी और स्टेट का भी डेवलपमेंट होगा। तो याद रखिएगा, गोवा में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क। तो गोवा की बात करें तो कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और एक्चुअली में ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और इन्हें गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। प्रेसिडेंट हैं डेविड आर मालपास। और मोटो है वर्ल्ड बैंक का, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो एक बार देख लीजिए कि कैसा, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये जो सैंड का इंक्लाइंड वाला पार्ट है इसे कहा जाता है टिब्बा, और इसी तरह से पार्क को डेवलप किया जाएगा, रेत के पार्क को डेवलप किया जाएगा उसे ही कहा जा रहा है सैंड ड्यून पार्क। तो इस तरह से कुछ दिखाई देता है सैंड ड्यून पार्क, आप फोटो पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज़ डेडिकेटेड फर्स्ट फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज़। किस विभाग ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा समर्पित की है? तो अभी हाल ही में भारत के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग ने एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस को डेवलप किया है और उसे लॉन्च किया है, और इस सर्विस को डेडिकेट किया गया है साउथ एशियन कंट्रीज़ को, और ये शेयर किया जाएगा साउथ एशिया की 5 कंट्रीज़ के द्वारा। तो कौन कौन सी हैं 5 कंट्रीज़? तो सबसे पहले तो इंडिया ही है, इंडिया के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद नेपाल, और नेपाल के बाद भूटान। तो इन 5 एशियन कंट्रीज़, साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये सिस्टम डेडिकेट किया गया है इनको। और इस गाइडेंस सर्विस का काम क्या है? तो जो फ्लड होती है यानी बाढ़ होती है तो उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसीलिए उस बाढ़ के बारे में एडवांस में अलर्ट जारी करने के लिए, उसके बारे में चेतावनी देने के लिए इस तरह का सिस्टम डेवलप किया गया है। तो ये बाढ़ आने से लगभग 24 घंटे पहले ही जो है तो अलर्ट कर सकता है रिस्क के बारे में, और इससे बाढ़ के द्वारा होने वाले कई तरह के नुकसान, जैसे कि सामान का नुकसान, कई तरह की जानों का नुकसान, तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है अगर अलर्ट पहले ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट एनालिसिस। किस संस्था ने मौद्रिक गरीबी में बच्चों का वैश्विक अनुमान एक अद्यतन विश्लेषण प्रकाशित किया है? तभी हाल ही में यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने मिल के प्रकाशित किया है ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, ये उसका पुराना नाम था और अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड।
तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर पब्लिश किया है। तो इस एनालिसिस के अनुसार लगभग 6 चिल्ड्रन में से एक चिल्ड्रन, या यूँ कहें तो टोटल 356 मिलियन चिल्ड्रन पूरे विश्व भर में अत्यधिक गरीबी यानी एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे कोविड-19 के पहले भी, और कोविड-19 के आ जाने कारण जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो इस रिपोर्ट में मेनली दर्शाया गया कि ऐसे चिल्ड्रंस जो बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से हैं, ओके, जिनका जो घर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं पैसों की कमी कारण, तो उनके बारे में इस एनालिसिस में हाइलाइट्स दिए गए हैं कुछ। तो विश्व भर में जितने भी ऐसे चिल्ड्रंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए, तो उनका लगभग 2/3 हिस्सा जो है वो सब सहारन अफ्रीका में प्रेजेंट है। उसके अलावा साउथ एशिया में बात करें तो लगभग 1/5 जो चिल्ड्रन से जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी, तो उनका 1/5 हिस्सा साउथ एशिया में है। उसके अलावा 2013 से 2017 का जो टाइम था, इन 4 से 5 सालों के दौरान लगभग 29 मिलियन चिल्ड्रंस की कमी आई है। ऐसे चिल्ड्रंस जो काफ़ी ज़्यादा गरीबी से जूझ रहे हैं, तो उनकी संख्या में 29 मिलियन की कमी आई है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि ऐसे चिल्ड्रन जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और उनकी एज 5 साल से कम है, तो इनका लगभग जो 20% है ऐसी पॉपुलेशन का, वो अभी भी डेवलपिंग वर्ल्ड में ही रह रहा है। तो रिपोर्ट जारी की गई है यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में तो पिछले क्वेश्चन बता दिया आपको, यूनिसेफ के बारे में देखते हैं। तो 1946 से 1953 तक इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, इसी का शॉर्ट फॉर्म है यूनिसेफ। और अब इसका नाम हो चुका है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हेनरीटा होल्समैन फोर, और यूनिसेफ के इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट हैज़ बीन पास्ड बाय श्रीलंका इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली। हाल ही में श्रीलंका ने अपने संविधान में कौन सा संशोधन पारित किया है? तभी हाल ही में श्रीलंका सरकार ने अपने संविधान में 20th अमेंडमेंट यानी कि 20वां संशोधन किया है, और ये संशोधन किया है ताकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ाई जाए। ओके, तो एक्चुअली में जब 18वां संशोधन किया गया था तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं उनके उनको कई तरह की नई पावर मिली थी और उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद 19वां संशोधन किया गया और वो पावर हटा दी गई थी प्रेसिडेंट के पास से, लेकिन अब 20वां संशोधन हुआ है तो वहीं पावर फिर से प्रेसिडेंट को, श्रीलंका के प्रेसिडेंट को वापस से दी जा रही हैं, और इससे जो है तो जो प्रेसिडेंट है श्रीलंका की उनकी पावर और भी बढ़ जाएगी। तो 18th अमेंडमेंट में जो पावर्स मिली थी प्रेसिडेंट को श्रीलंका के, वो थी कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं वो जितनी बार चाहे उतनी बार री इलेक्शन करवा सकते थे। उसके अलावा एक पावर थी कि वो कोई भी इंडिपेंडेंट कमीशन है तो उसको अपने अथॉरिटी के अंडर में ले सकते थे। उसके अलावा जो 10 मेंबर की काउंसिल थी कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको रिप्लेस करके 5 मेंबर की काउंसिल बना दिया गया था। और उसके अलावा एक पावर उन्हें मिली थी कि जो प्रेसिडेंट हैं श्रीलंका के, वो सिर्फ चाहे तो 3 महीने में सिर्फ एक बार ही पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ पावर थी 18th अमेंडमेंट में। उसके बाद 19th अमेंडमेंट आया था तो ये चीज़ें हटा दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन अब 20th अमेंडमेंट आया है और वापस से ये चीज़ें, ये पावर मिल गई हैं श्रीलंका के प्रेसिडेंट को। तो श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजापक्षा, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्षा, कैपिटल है श्री जयवर्धने पूरे कोटे, और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम थर्ड अरब कंट्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विथ इज़राइल। कौन सा देश इज़राइल के साथ संबंधों को सामान करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है? तो अभी हाल ही में सूडान बना है तीसरा अरब देश जो कि इज़राइल के साथ उनका रिलेशन जो है उनको नॉर्मलाइज करेगा, यानी अपने संबंधों को सामान्य करेगा। तो UAE और बहरीन पहले ही इज़राइल के साथ शांति समझौते पे साइन कर चुके हैं, जो एक US लेड एग्रीमेंट लाया गया था जिसे कहा गया था अब्राहम एकॉर्ड। ओके, ये नाम याद रखिएगा, अब्राहम एकॉर्ड, ये उस शांति समझौते का नाम था जिसे साइन किया है UAE और बहरीन ने इज़राइल के साथ। और अब सूडान बन गया है तीसरा देश जो कि इज़राइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। तो सबसे पहले इजिप्ट ने जो इज़राइल के साथ शांति समझौता है उसे साइन किया था। ओके, इजिप्ट वॉज द फर्स्ट कंट्री। ओके, इजिप्ट के बाद जॉर्डन ने शांति समझौते पे साइन किया इज़राइल के साथ,
और उसके बाद 26 सालों तक कोई शांति समझौते नहीं हुए, और 26 सालों के बाद अब सितंबर 2020 में यूएई ने साइन किया शांति समझौता, किसके साथ? इसराइल के साथ। और उसके बाद बहरीन ने साइन किया था पीस डील इसराइल के साथ। तो सबसे पहले इजिप्ट, फिर जॉर्डन, फिर यूएई, फिर बहरीन और अब सूडान। तो इस साल सूडान बना है तीसरा अरब नेशन जिन्होंने की शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इसराइल के साथ। सूडान की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है खार्टूम, करेंसी है सूडानीज पाउंड और प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला हामदोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ टाइड अप विद टोयोटा किर्लोस्कर मोटर फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज? वाहन वित्त पोषण सेवाओं के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ किस बैंक ने करार किया है? तभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने टाई अप किया है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। और ये जो टाई अप किया गया है, तो जो भी व्हीकल्स खरीदे जाएंगे टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में, तो उनके लिए फाइनेंसिंग सर्विसेज देगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, यानी अगर कोई व्हीकल अगर फाइनेंस करवाना चाहता है टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में, तो उन व्हीकल्स का फाइनेंस करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा और टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। ओके, टैगलाइन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो टैगलाइन भी याद रखना आपको। टैगलाइन है बैंक ऑफ बड़ौदा की इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड सुनंदा सम्मान इन मेमोरी ऑफ वोकलिस्ट सुनंदा पटनायक? किस राज्य की सरकार ने गायिका सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान शुरू किया है? तभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने वहाँ पे सुनंदा सम्मान शुरू किया है। और जो सम्मान है, इसे जो उड़ीसा की लेजेंडरी गायिका थी सुनंदा पटनायक जी, उनकी याद में ये शुरू किया गया है सुनंदा सम्मान, और कहाँ? उड़ीसा में। तो ये जो अवार्ड है सुनंदा सम्मान, ये एनुअली दिया जाएगा, यानी साल में एक बार दिया जाएगा। इसमें लगभग 2.5 लाख का कैश प्राइज है, और इसे शुरू किया गया है उड़ीसा की क्लासिकल म्यूजिशियन के ऊपर जिनका नाम था सुनंदा पटनायक जी, और ये सम्मान दिया जाएगा क्लासिकल म्यूज़िक के क्षेत्र में। तो जो भी पर्सनालिटीज़ हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेंगे क्लासिकल म्यूज़िक की कैटेगरी में, उन्हें ये सम्मान दिया जाएगा। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग्स? ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? अभी हाल ही में ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की गई है, और इसे जारी किया है ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल ने। के ओखला, जो कि इंटरनेट स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा और जाना माना ब्रांड है, उन्होंने ये ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग जारी की है। और इस रैंकिंग में भारत रहा है 131 पोजीशन पे, यानी 131वां रैंक है भारत का इस स्पीड रैंकिंग में। वहीं बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो इसलिए रैंकिंग में टॉप किया है साउथ कोरिया ने। तो टोटल 138 कंट्रीज़ थी जिन्हें जगह मिली थी इस रैंकिंग में, और इस 138 कंट्रीज़ के लिस्ट में भारत रहा है 131वें स्थान पे। तो जो ग्लोबल एवरेज डाउनलोड स्पीड थी, ये थी 35.26 एमबीपीएस की, और भारत में बात करें तो भारत में डाउनलोड स्पीड आती है 12.07 एमबीपीएस एवरेज। और ग्लोबली अगर एवरेज अपलोड स्पीड की बात करें तो ये थी 11.22 एमबीपीएस, जिसमें कि 42 सेकंड की लेटेंसी है। लेकिन भारत में बात करें तो भारत में एवरेज अपलोड स्पीड आती है 4.31 एमबीपीएस, और इस लिस्ट में टॉप किया साउथ कोरिया ने। तो साउथ कोरिया में जो एवरेज मोबाइल इंटरनेट स्पीड आई है, ये थी 121 एमबीपीएस। तो आप देख सकते हैं कंपैरिजन में, भारत में जहाँ थी 12.07 एमबीपीएस, तो साउथ कोरिया में वही है 121 एमबीपीएस। तो कितना ज़्यादा अंतर है। तो इसी कारण से भारत रहा है 131वें नंबर पे और साउथ कोरिया रहा है फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाउंटेन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाउंटेन? किस फव्वारे को दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा घोषित किया गया है? तभी हाल ही में दुबई का पाम फाउंटेन है। ओके, दुबई के पाम फाउंटेन को दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा, पाम फाउंटेन यानी पाम फव्वारा, और ये है कहाँ? ये है दुबई में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक। ओके, विश्व का सबसे बड़ा फव्वारा है ये, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है दुबई के पाम फाउंटेन के द्वारा।
बात करें कितने एरिया पे ये स्प्रेड है, तो ये है 14,000 स्क्वायर फीट पे। और वहीं बात करें तो जो इनके शूटर हैं ये लगभग 105 मीटर तक ऊपर पानी उछाल सकते हैं। तो आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, ये है वो पाम फाउंटेन, जिसे विश्व का सबसे बड़ा फाउंटेन का दर्जा दिया गया रिसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विथ मोरक्कन मिनिस्टर नासिर बोरीटा रिसेंटली। हाल ही में मोरक्को के मंत्री नासिर बोरीटा के साथ आभासी बैठक किसने की है? तभी हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने, जो मोरक्को के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं नासिर बोरीटा, उनके साथ एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड की है। और इस मीटिंग में दोनों ही पक्षों के द्वारा काफ़ी चीज़ों में और बहुत से ऐसे ग्लोबल इशू हैं उनमें नज़र डाली गई, जैसे कि जो इंटरनेशनल फाइट चल रही है टेररिज्म के अगेंस्ट, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी के सेक्टर में के, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया गया और दोनों देशों ने अपना अपना एग्रीमेंट दिया कि दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ाया जाएगा, कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, उनको डेवलप किया जाएगा। और मिनिस्टर्स ने ये भी कहा कि जो फर्टिलाइज़र, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स और ICT सेक्टर है, इनमें भी दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दोनों मिनिस्टर एग्री हुए कि दोनों देशों के बीच में MOU साइन करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी कराया जा सके दोनों देशों के बीच में। तो बात करें मोरक्को की, तो यहाँ की कैपिटल है राबत, करेंसी है मोरक्कन दिरहम और प्राइम मिनिस्टर हैं सादेद्दीन उथमानी। तब समय है आज के इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लाइनर्स का, एक बार देख लेते हैं। तो ब्राज़ील्स प्राइम मिनिस्टर जैर बोलोनारो रिजेक्ट्स परचेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम चाइना। तो हाल ही में जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जैर बोलोनारो, उन्होंने चीन से कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने को मना कर दिया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव सेल ऑफ वेपन सिस्टम्स वर्थ $1.8 billion टू ताइवान। तो हाल ही में USA ने ताइवान को $1.8 billion मूल्य के हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज्ड 6,000 crore rupees टू स्टेट्स टू एड्रेस शॉर्टफॉल इन GST रेवेन्यू। तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जो GST राजस्व है उसमें जो कमी आई है उसको दूर करने के लिए राज्यों में 6,000 crore rupees बांटे हैं। लास्ट है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एन नरसिम्हा पास्ड अवे रिसेंटली एट 86। तो जो तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे एन नरसिम्हा जी, उनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। गुणवत्ता आश्वासन के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। ये देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ रिलीज्ड कोमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 75th एनिवर्सरी। खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का किसने जारी किया है? तभी हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि खाद्य और कृषि संगठन, उसकी 75वीं वर्षगांठ थी और उसी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने ₹75 का एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ओके, 75वीं वर्षगांठ पे ₹75 का सिक्का जारी किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।